अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा के रखना कितना भाग्य का बात होता है रत्ना भाऊजी। नियति का फेर है सब बिंदी। लेकिन हम का बिगाड़े हैं नियति का? हमने का गलत किया है जिंदगी में कि हमको ऐसा सजा मिल रहा है? पहले हरीश से प्यार किया, खूब प्यार किया, सारी बस्ती को दिख गया, बस हरीश को ही नहीं दिखा। बाहर से वो गीता आई, उसको बहलाया फुसलाया और उसकी बातों में आके उसी से प्यार करने लगा। अपने प्यार को लूटते देखते रहे, बाकी कुछ नहीं कहा। कसम खा के कहते रत्ना बाऊजी, हम खूब रोए लेकिन हरीश को जानने तक नहीं दिया कि हमारा आंख भीगा है। कहे कि हमारे लिए सबसे जरूरी हरीश का खुशी था, जिस पे हमने अपना सब कुछ लुटा दिया। पता है रत्ना भाऊजी, वो हरीश ने हमें स्वार्थी बोला। धीरज रख बिंदी, धीरज रख, पूरा बस्ती जानता है तू स्वार्थी नहीं है, तेरा प्यार स्वार्थी नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं था रत्ना भाऊजी, लेकिन ममता स्वार्थी होगी। इस यशोदा से उसके कान्हा को कोई नहीं छीन सकता, खुद देवकी भी नहीं। चाहे कुछ हो जाए लेकिन हम जग्गू को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। गीता खुद चिक चिक के ही भले मांगे लेकिन हम जग्गू को नहीं जाने देंगे। अब कुछ कह क्यों नहीं रहे? सब बर्बाद हो जाएगा। साहब बताइए तो सही, हुआ कहाँ है? कहाँ इतना तांडव मचा रहा है आप बस्ती पे? अरे जन्मजात अपराधी, फिर से सवाल पूछ रहा है मुझसे, खुद नहीं समझ रहा है? ऐसा बवाल लड़की पाले हो बस्ती में, तांडव तो होगा ना? नहीं गई वो लड़की जेल, मतलब बाल सुधार गृह नहीं गई। नहीं गई माने हुआ नहीं गई, तुम्हारी हमारी बेटी गई का? ससुरे चित्ता हमसे होशियारी करता है, तुम्हारी खोल खींच लूंगा मैं। एक बात बताओ, कैसा ट्रेनिंग दिए हो उस लड़की को जो पुलिस की चलती जीप से कूद के भाग गई? कूद गई? ऐसे कैसे कूद गई? ज्यादा होशियारी नहीं समझे? मुझे सब पता है, तुम सब जानते हो वो लड़की है कहाँ। अगर वो लड़की को पुलिस के हवाले नहीं किया ना तो तुम सबकी चमड़ी उधेड़ के उसमें भूसा भर के आग लगा दूंगा। और एक बात तुम सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो, अगर वो लड़की पुलिस के हवाले नहीं की तो पुलिस उसे अपराधी घोषित करके उसे गोली मरवा सकती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आया कुछ दिमाग में? हम पर हाथ उठाएगा, हमारा कॉलर पकड़ेगा, सिंह का कॉलर पकड़ेगा। सर यहाँ तो नहीं है छोकरी। सर यहाँ वो लड़की नहीं है, पूरी बस्ती छान मारे लेकिन वो चित्ता लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। अच्छे से देखा ना हर जगह, ये चित्ता बड़े चालाक हैं। चलो रे यहाँ से। हरीश, ए दुर्जन, जितना जल्दी हो सके लड़की को हमारे हवाले कर देना, समझे? अरे हरीशवा, बड़ा ज्ञान देता है ना अपनी बिटिया को, एक ज्ञान हमारा भी सुन ले। अगर शाम तक वो लड़की पुलिस के हवाले नहीं हुई ना तो बस्ती में मातम की तैयारी कर लेना। कब तक भागेगी?
कहां गई वो चित्ता छोकरी? इसने हम सबके नाक में दम कर रखा है, छोड़ेंगे नहीं आज इसको। चित्ता छोकरी बाहर आओ। दरोगा का घर मेरे पीछे का है। आज छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। अरे वो रही, पकड़ो। क्या गलती किए हैं? सरकार के खिलाफ जाने की गुस्ताखी की हो लड़की तुम, वो तुझे मरना होगा। तैयार? हरीश, हरीश, हमें जग्गू को ढूंढना होगा, इससे पहले कि पुलिस। तू सही कह रही है बिंदी, तू वहां नदी के इलाके में ढूंढ, हम पहाड़ के इलाके में ढूंढते हैं। अगर सरकार को पता चल गया कि जग्गू भाग गई है तो अभी तो पुलिस का तमाशा खड़ा हुआ, अब सरकार का कहर बरपेगा और ये बस्ती तबाह हो जाएगा। माफ करिएगा दद्दा, पर अब अपना फेफड़ा जलाने से क्या होगा? बस्ती का आग कम थोड़ी ना हो जाएगा उससे। उस छोकरी का हिम्मत बढ़ाया कौन? आप ही तो बढ़ाए ना। मुखिया बनेगी, मुखिया बनेगी, मुखिया बनेगी, बन गई ना आफत। आप हमेशा से हमारे बल्लू का मुंह चुप कराते हैं, अरे हम तो कहते हैं। अरे कुछ मत कह तू नंदा, कुछ मत कह। कहे कि तेरा बेटा एक आने का भी काबिल होता ना तो मुखिया के लिए इधर उधर ताका जाकी करता ही नहीं। बताओ सुबह से गया है शिकार के लिए, अभी कौन बताएगा कि कहां गया है? बता झुम्पा, बता पाएगी तू कि तेरा पति कहां गया है? पकलोली करने गया है फिजोल के। तत्ता का अंदाजा नहीं, चक्कू का इरादा गलत हो गया है। पर नाऊ तेरे बेटे से बहुत काबिल है और तेरे पति से भी। पुलिस को भी चकमा दे के भाग गई हो। अब हमें कोई चुकत लगाना होगा कि सरकार का गुस्सा फूटे नहीं, वरना इस बस्ती जल के खाक हो जाएगा। चबू तू कहा है? हमको तुम्हारी बहुत फिकल हो रही है।